दिल्ली जीवी रोड में, शायद मैं हाथ पकड़ने लगे कि तुम मेरे गाड़ी में बैठो। अरे ऐसे तुम मेरे गाड़ी में, बाथरूम में भी मतलब ताक झाक करते थे, देखते थे, बाथरूम का गेट नहीं लगाने देते थे, मतलब लगा लेते भी थे तो बहुत मारपीट करते थे। तो तुमको अच्छा खाना रहना सारा कुछ देंगे, तो हाथ खींचने लगे ऐसे बैठो, तो हम नहीं बैठे, सारे आदमी हाथ खींचने लगे। एक भैया थे रिक्शा वाले भैया, तो उसको हाथ पैर जोड़े कि भैया जैसे तैसे हमको रेलवे स्टेशन पास, बोले कि इसे नहीं, अरे तुम जल्दी से जाओ, ये बहुत गंदा एरिया है, तुम बच नहीं पाओगी, से तुम जाओ। तो हम बोले कि कौन सा ये जगह है भैया, हम रेलवे स्टेशन पास जाएंगे, तारे ये जीबी रोड है, तुम जल्दी से निकल जाओ यहाँ से, है ना। ये बहुत मारते पीटते थे, बहुत गंदा गाली भी देते थे। आपको आपके बच्चे से मिलने दिया जा रहा था? नहीं नहीं मिलने देते थे। क्या कहते थे? बहुत मारते थे, बोलते थे तुम्हारी माँ, बहुत गंदा गंदा शब्द में, तुम्हारी माँ ऐसी है, तुम्हारी माँ तुमको मार देगी जहर खिला के। चाहती हूँ कि ये लड़की राखी कुमारी, जिसका ससुराल बिहार में, इंडिया में, ये हरलाखी थाना के अंतर्गत आती है, नेपाल की बेटी की शादी हरलाखी थाना के अंतर्गत होती है, जो मधुबनी जिला में पड़ता है, इस बेटी को आज न्याय की उम्मीद है। जिस पति का हाथ थाम करके सात फेरा ली थी, सात वचन ली थी, और पति का दामन थाम करके जिस उम्मीद के साथ लड़की ससुराल को जाती है, वही पति जब हैवान बन जाए, जब वही पति शैतान बन जाए, तो आप ही लोग बताओ कि उस पति का क्या किया जाए। जी हाँ, मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि वो लड़का, वो दरिंदा आप देख सकते हैं, ये पति, ये लड़का है जो पति कहलाने के लायक नहीं है, और ये राखी कुमारी है जो शादीशुदा, आप देख रहे होंगे कि सात वचन लेने के लिए खड़ी हुई है मंडप में। ये राखी कितनी खुश नजर आ रही है, और इस राखी को देखिए, जितना हो सका ये बाप ने अपनी बेटी को संस्कार दिया। जी हाँ, ये बाप ने संस्कार के साथ वो सभ्यता की पाठ पढ़ाया कि बेटी तुम जहां भी जाना अपनी मर्यादा का ख्याल रखना, अपनी संस्कृति सभ्यता को नहीं भूलना, अपनी समाज का मान बढ़ाना, अपनी परिवार का मान बढ़ाना। उसी मान बढ़ाने के चक्कर में ये आज बेटी 8 साल से अपने ससुराल में प्रताड़ित होती रही। जी हाँ, ये बेटी 8 साल तक अपने ससुराल में प्रताड़ित हुई, लेकिन चू शब्द नहीं बोली किसी को कि मैं प्रताड़ित हो रही हूँ, क्योंकि इसे डराया जा रहा था, इसे धमकाया जा रहा था, क्योंकि अगर तुम अपने परिवार को बताओगी तो तुम्हारे बाप को मैं खत्म करवा दूंगा, तुम्हारे जीजा को मैं खत्म करा दूंगा। और मैं इसलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि वो पति अपनी हवस का भूख मिटाने के लिए इस लड़की से शादी किया था, इसलिए मैं कहना चाहती हूँ क्योंकि वो पति पहले से शादीशुदा था। जिस लड़की से उसने शादी किया था उसको हार्ट का प्रॉब्लम भी है, उस लड़की को भी उसने धोखा दिया, वो लड़की कोर्ट में केस भी की है, उसका अभी मुद्दा न्यायालय में चल भी रही है। 6 साल के बाद इस लड़की से शादी करती है, इस परिवार को ये भी पता नहीं था कि वो लड़का पहले से शादीशुदा है। जी हाँ, जब इस लड़की से शादी होती है उसके बाद इस लड़की को प्रताड़ित स्टार्ट कर देता है उस घर में। ये 2 बच्चे की माँ है, जब ये शादी होकर उस घर गई, इस बच्ची को, इस महिला को घर में कैद करके, ताला लगा करके और नंगा करके, ये बूढ़ा आदमी, कहते हैं कि कौन कहता है कि बूढ़े इश्क नहीं करते, जनाब करते तो हैं, लेकिन कोई शक नहीं करते, लेकिन इश्क नहीं, ये कलंक किया है, ये कलंकित करने का काम किया है। ये पेशे से एक शिक्षक था, लेकिन ये अभी रिटायर हो चुका है। जी हाँ, ये बूढ़े जो चश्मा लगा के, सिंदूर का बिंदी लगा करके, आप दिख रहे होंगे इस फोटो में, इस फोटो को गौर से देखिएगा, ये दरिंदा अपनी ही बहू को नंगा करके मारता था घर में, पूरे परिवार मिलके नंगा करके मारता था। और ये ससुर कहता था कि तुम नहाने जाओगी तो अपना वॉशरूम का गेट खुला करके छोड़ो, मैं खड़ा होकर के देखूंगा, तुम वॉश करने जाओगी, शौच करने जाओगी तो उसका गेट खुला छोड़ के रखो, नहीं तो मारूंगा, मैं देखूंगा खड़े होकर के तुम गेट लगाएगी तो बहुत पीटूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये पिता के पास न तो धन है, न तो दौलत है, न पैसे है, न जेवरात है, न बेटा है, मात्र 3 बेटी है। जी हाँ, मात्र 3 बेटी है। इस पिता को, इस
बेटी को एक बूढ़ा बाप का सहारा है और कोई सहारा नहीं है। जब इस बेटी अपनी न्याय के लिए आगे बढ़ी है, इस परिवार को धमकी दिया जा रहा है कि अगर तुम कहीं आवाज उठाएगा तो तुम्हारे पूरे परिवार को मैं खत्म कर दूंगा। इनकी बड़ी बहन की शादी हुई, उन्हीं का हस्बैंड इस परिवार को चलाता था, रखता था, देखता था, उन्हीं का इसका शादी इनके बड़ी बहन के हस्बैंड ही ने किया। किसी को पता नहीं था कि वो परिवार ऐसा दरिंदगी करेगा, ऐसा हवस का भूखा होगा, जो ऐसा हमारी साली के साथ या हमारी बेटी के साथ इतनी हैवानियत का काम करेगा। जी हाँ, ये लड़की को मेंटल हॉस्पिटल आगरा ले गया घुमाने के चक्कर में। बोला चलो मैं तुझे आगरा घुमाने ले जाता हूँ, लेकिन आगरा ले गया, लेकिन साहब मैं कहूंगी आगरा घुमाने नहीं, उस मेंटल हॉस्पिटल में उसको लेकर के मेंटल बनाने के लिए ले गया। उतना ही नहीं, जिस रूम पे इस लड़की को रखा था अपनी पत्नी को, जहाँ पे रूम लेके रहा था, उस रूम पे वहाँ के ओनर को, वहाँ जो लोग रहते थे उस फ्लैट में, जितने लोग थे वहाँ पे, सारे लोगों को वो लड़का बताया था कि राखी हमारी बेटी है। जी हाँ, ये सुन के आप आश्चर्य होंगे, उसने बताया कि राखी मेरी बेटी है। जब इसको मारा पीटा था घर में कि तुम हॉस्पिटल से भाग के क्यों आई, जब हम तुमको वहाँ पे जो बोले थे वो तुम क्यों नहीं बोली, क्योंकि डॉक्टर ने इससे इंक्वायरी किया कि क्या राखी तुम पुरानी चप्पल खा लेती हो, क्या तुम टूटी हुई झाड़ू तोड़ तोड़ के खाती हो। इसने बोली क्या मैडम, क्या बोल रही है आप, मैं आपको पागल दिख रही हूँ जो मैं खाऊंगी, मैं बिल्कुल पागल नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। जब ये जान बचा के भागती है तो उसको रूम पे ला करके मारा और पीटा जाता है। जी हाँ, जब इसको मारा पीटा, पूरे लोग वहां पे आ गए, इकट्ठा हो गए और लड़का को बोला, अरे तुम क्या कर रहे है, तुम अपनी बेटी को मार रहे है, क्यों मार रहे तुम अपनी बेटी को। तो इसने इसको सुन के अचंभित हो गया लड़की, जब सुनी अरे बेटी क्यों बोल रहे आप, मैं इसकी पत्नी हूँ। तो बोला क्या, आप पत्नी है इसकी, तो हाँ मैं पत्नी हूँ, लेकिन इसने बताया कि राखी मेरी बेटी है, इससे पहले तो कोई और औरत इस रूम पे आती है। साहब सबूत बहुत है इस दरिंदों को अंदर करवाने के लिए, इसके परिवार को अंदर करवाने के लिए सबूत बहुत है, लेकिन मैं कहना चाहूंगी उतना ही नहीं, इस लड़की को जब वहां से भगाया गया, उस लड़के को, कि मेरा रूम तुम खाली कर दो, तुम झूठ बोल के यहाँ पे हो, इस लड़की को जब वहां से लेकर के निकला, तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के रेड जोन एरिया, जहां पे वैश्यावृत्ति होती है, वैसा एरिया जहां पे दुश्मन भी दुश्मन को ना भेजे, वैसा एरिया जहां पे सभ्य समाज के बेटा जाना ना पसंद करे, वैसा एरिया जहां पे लोग उस रास्ते पे चलना पसंद ना करे, वैसा एरिया जहां पे कोई सोच भी ना सकते हैं, वैसा एरिया जहां पे सभ्य समाज उस वैसे एरिया का बात भी ना करना मुनाफिस ना समझे, वैसा एरिया में इस पत्नी को जाकर के छोड़ने का काम किया उस दरिंदा ने, उस हबसी भूख ने, क्योंकि उसका मानसिक तौर पे ये स्पष्ट था, क्योंकि वो सोचा कि पहले तो इसको मैं मेंटल कर दूं, लेकिन जब उसका वो चीज सबूत नहीं हो पाया, नहीं कर पाया, अपने कामों में विफल हो गया, तो उसको रेड लाइट एरिया में जाके छोड़ दिया, ताकि ये लड़की वहां पे नीलाम हो जाए, कोई उठा ले, और उसके बाद वो बिहार में आके बोलता कि भाई देखो लड़की गलत थी, रात रात भर बतियाती थी, किसी लड़का के साथ फरार हो गई होगी, और कोई जो बात है कोई सबूत जुटा नहीं पाता। माँ बाप को भी यही लगता कि मेरी बेटी कहीं किसी लड़का के साथ भाग गई होगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि उस नर्क में जाने के बाद निकलना तो बहुत मुश्किल है भाई, निकलना तो बहुत दूर दूर तक है। फिलहाल मैं राखी से पूछना चाहूंगी, आप थोड़ा क्लोज आ जाइए, राखी आपके साथ क्या हुआ उस दिल्ली जो रेड लाइट एरिया में, जहाँ पे आपको लेके छोड़ दिया गया, उसके साथ आपको वहाँ पे लोगों ने क्या क्या किया। सारे आदमी दिल्ली जीबी रोड में सारे आदमी हाथ पकड़ने लगे कि तुम मेरे गाड़ी में बैठो, अरे तुम मेरे गाड़ी में बैठो, तुमको अच्छा खाना रहना सारा कुछ देंगे, तो हाथ खींचने लगे ऐसे बैठो, तो हम नहीं बैठे, सारे आदमी हाथ खींचने लगे कि नहीं बैठो बैठो, बहुत जोर जबरदस्ती कर। फिर आप वहां से कैसे भागे? फिर मतलब एक भैया थे रिक्शा वाले भैया, तो उसको हाथ पैर जोड़े कि भैया जैसे तैसे हमको रेलवे स्टेशन पास पहुंचा दीजिए, रेलवे स्टेशन पास जाना है, यहाँ पे नहीं रहना है, हमारे पति छोड़ दिए हैं यहाँ पे। तो बोले कि इसे नहीं, अरे तुम जल्दी से जाओ, ये बहुत गंदा एरिया है, तुम बच नहीं पाओगी, से तुम जाओ। तो हम बोले कि कौन सा ये जगह है भैया, हम रेलवे स्टेशन पास जाएंगे, तारे ये जीबी रोड है, तुम जल्दी से निकल जाओ यहाँ से। तो आप वहाँ से भाग करके स्टेशन आ गई?
है? और उस वहां पे भागने के बाद, अच्छा ये बताइए आपके ससुर आपके साथ क्या करते थे, क्या यही आपका ससुर है? हाँ यही ससुर है, वेदानंद झा है। हाँ, हाँ, ये बहुत मारते पीटते थे, बहुत गंदा गाली भी देते थे, बाथरूम में भी मतलब ताक झा करते थे, देखते थे, बाथरूम का गेट नहीं लगाने देते थे, मतलब लगा लेते भी थे तो बहुत मारपीट करते थे। आपको आपके बच्चे से मिलने दिया जा रहा था? नहीं नहीं मिलने देते थे। क्या कहते थे? बहुत मारते थे, बोलते थे तुम्हारी माँ बहुत गंदा गंदा शब्द में, तुम्हारी माँ ऐसी है, तुम्हारी माँ तुमको मार देगी जहर खिला के, तुमको मत जान। आपको आपके बच्चे से दूर रखा जाता था? हाँ, हाँ, तो आप समझ सकते हैं कि एक माँ को उसके बच्चे से मिलने नहीं दिया जा रहा था। जी हाँ, ये वही दरिंदा है, ये वही दरिंदा है जिसने अपनी पत्नी को रेड लाइट एरिया जहाँ पे वैश्यावृत्ति होती है उस एरिया में राखी कुमारी को छोड़ दिया। आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत ये राखी है। देखिए ये बच्ची, आज आप देखिए ये पिता ने कुछ नहीं दिया अपनी बेटी को, एक संस्कार दिया, एक सर से पल्लू, अभी तक इसके सर से पल्लू नहीं गिरा है। आप देख सकते हैं कि गुण और संस्कार आप झलक रहा होगा इसके चेहरे पे। आज इसका चूड़ी आपका इम्तिहान कर रही है, न्याय की उम्मीद लगा के रखी है ये कोख, अपने न्याय की उम्मीद लगा के बैठी हुई, इसके बच्चा न्याय की उम्मीद लगा के बैठी है। ये मांग का सिंदूर जो आज पोच फेंकी है, ये मंगलसूत्र जो तोड़ फेंकी है, ये चूड़ी जो फोड़ फेंकी है, क्योंकि उसको ऐसे पति से बिना पति की ही अच्छी है। इसीलिए आज इस पत्नी को न्याय की उम्मीद है और ऐसे ऐसे दरिंदे को सजाए मौत होनी चाहिए, ये भी आप लोगों से हमें उम्मीद है। आपके चाचा जी क्या कहना चाहते हैं? हम क्या कहेंगे, मेरा कहना तो यही है कि किसी तरह हमारी बेटी को न्याय मिले, हमारी बेटी सुरक्षित हो, इस दरिंदे के हाथों से निकल पाए, छूट पाए और हमारा नाती भी आ जाए। क्या कहेंगे जी, ऐसा हाँ। जो कमीना है जो हमारी बेटी को बार बार 8 वर्षों से सताता आ रहा है और साथ में जो है हम लोग अभी तक भी जो धमकी दे अभी तक जो धमकी दे रहा है कि तुमको ये कर देंगे, उड़ा देंगे तो तुम्हारे पूरे खानदान को नष्ट कर देंगे। जी हाँ, इनको पूरा धमकी दिया जा रहा है। जयनगर के आरपीएफ प्रशासन के द्वारा ये लड़की बची है, ये सुरक्षित जो अभी आप देख रहे हैं कैमरे के सामने, ये जयनगर आरपीएफ का मदद से हुआ है। सबसे पहले उनको बहुत बहुत धन्यवाद।